हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3। यदि आपने एक्सरसाइज 8.1 एवं एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला फॉर्मूला है साइन 90° माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कॉस ए। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस 90° माइनस ए, तो क्या होगा, साइन ए। उसका टेन 90° माइनस ए, तो क्या होगा, कॉट ए। फिर कॉट 90° माइनस ए, तो क्या होगा, टेन ए। फिर होगा सेक 90° माइनस ए, तो क्या होगा, कॉसेक ए। और कॉसेक 90° माइनस ए, तो सेक ए। तो आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का वन का वन नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन 18° बाई कॉस 72°, इसका वैल्यू निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सबको ही हम बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 18 डिग्री को, ध्यान से देखिए, 90° और माइनस में 72°। तो अगर 90° में से 72° माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 18° बट जाएगा। यानी इसके स्थान पर आप लीजिए 19° माइनस में 72° और इसके बटा में आ जाएगा कॉस 72°। आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, 18° के स्थान पर 19 माइनस 72 करेंगे तो 18 आएगा। यानी 18 के स्थान पर वैल्यू पुट कर दिए 19 माइनस 72। और अभी फॉर्मूला बताए हैं कि साइन 90° माइनस में ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। साइन 90° माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। तो ए के स्थान पर क्या है, 72 है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कॉस 72° और बटा में क्या है, कॉस 72°। तो ये कैंसिल हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टेन 26° बाई कॉट 64°, इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर 26 डिग्री। ध्यान से देखिए, आप 26° को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 26° को आप लिख सकते हैं 90° और माइनस में 64°। अगर 90° में से 64° माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 26°। यानी इसको हटा करके इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 90° माइनस में 64° और इसके बटा में क्या है, कॉट 64°। अब आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला होता है टेन 90° माइनस ए का। तो टेन 90° माइनस ए का फॉर्मूला हम बताए हैं अभी तुरंत होता है, इसका क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉट ए, तो ए के स्थान पर क्या है, 64°। तो यहाँ लिख देंगे कॉट 64° और इसके बटा में आ जाएगा कॉट 64°। तो ये कैंसिल हो गया, यानी कट के क्या गया, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस 48° और माइनस में साइन 42°। तो आप 48° को लिख सकते हैं 90° माइनस में 42°। अगर 90° में से 42° माइनस कीजिएगा तो 48° आएगा। यानी आप 48° के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 90° और माइनस में 42° और माइनस में साइन 42°। तो यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस 90° माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है। तो ए के स्थान पर इसमें क्या है, 42° है। यानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन और 90 हट जाता है, ये आता है। तो ए के स्थान पर क्या है, 42° और माइनस में साइन 42°। तो माइनस में और प्लस में तो कट के क्या आ जाए, कैंसिल। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, कॉसेक 31° माइनस सेक 59°। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, 31° के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 90° और माइनस में 59°। अगर आप 90° में से 59° माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 31°। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कॉसेक और 31 के स्थान पर क्या लिखना है, 90°। तो यहाँ पर लिख देंगे 90° और माइनस में 59° और माइनस में क्या लिखेंगे, सेक 59°। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक
क्या फॉर्मूला होता है कॉसिक 90 डिग्री और माइनस में ए, तो फॉर्मूला बताएं क्या होता है सेक ए, तो यहाँ लिखेंगे सेक लिखेंगे और 90 हट जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है ए, तो ए के स्थान पर 59 डिग्री और माइनस में सेक क्या है 59 डिग्री, तो यहाँ पर प्लस में वैल्यू और माइनस में तो दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में है दो सवाल है, पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है 1, यानी सिद्ध कीजिए यानी दिखाइए सो दैट, यानी इसको प्रूफ करना है। सेकेंड क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है जीरो लाना है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले पहला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन का एलएचएस पहले लिख दिए हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए 48 डिग्री को, तो 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। इसी प्रकार से आप 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 23 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में 67 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए tan लिखेंगे और जहां पर 48 डिग्री है तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में 42 डिग्री, और इंटू में इसको पहले लिख लीजिए तो इंटू में लिख देते हैं tan 42 डिग्री और इंटू में लिखेंगे tan, तो tan लिखेंगे और 23 डिग्री, तो 23 डिग्री देखिए 42 को पहले लिख दिए, 23 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री और माइनस में 67 डिग्री। अब इंटू में क्या बचा हुआ, इंटू में यहाँ पर लिख देते हैं, इंटू में क्या लिखा बचा हुआ है, इंटू में बचा हुआ है tan 67 डिग्री। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस ए, तो फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री और माइनस ए रहेगा 90 डिग्री और माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cot a होता है, तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cot लिखेंगे और a, तो a के स्थान पर क्या है 42 डिग्री है, इंटू में क्या लिखा हुआ है tan 42 डिग्री है और इंटू में tan 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है cot a, तो cot लिखेंगे और a के स्थान पर क्या है 67 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो cot इंटू tan और cot इंटू tan ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि cot थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे और इसके भी स्थान पर क्या लिखेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो देखिए RHS में यही 1 लाना था तो यहाँ लिख देंगे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है LHS में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो इसको आप क्या लाना है इसके बराबर में जीरो लाना है। तो आप ध्यान से देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, तो 38 डिग्री लिखा हुआ है तो 38 डिग्री को आप लिख दीजिए 38 डिग्री ही लिखा गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos 38, तो ध्यान से देखिए 38 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस में क्या लिख सकते हैं 52 डिग्री। आप ध्यान से देखिए 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38, यानी यहाँ लिख देंगे cos 90 डिग्री और माइनस में 38 डिग्री इंटू, देखिए यहाँ पर 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री, अगर आप 52 90 में से अगर आप 38 घटाइएगा तो कितना बचेगा 52, तो यहाँ पर लिखेंगे cos और 52 के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए माइनस में क्या बच गया sin 38 डिग्री और इंटू में क्या बच गया sin 52 डिग्री, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस में a, cos 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है sin a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sin और a के स्थान पर 38 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस a, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कुछ गलत हो गया, यहाँ पर 38 डिग्री के स्थान पर क्या लिखना था 90 डिग्री माइनस में 52, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में 52, तो cos 90 डिग्री माइनस 52 के स्थान पर क्या होगा sin 52 डिग्री, तो यहाँ पर 52 डिग्री लिखेंगे और cos 90 डिग्री माइनस 38 है तो क्या लिखेंगे sin 38 डिग्री और माइनस में लिखेंगे sin 38 डिग्री इंटू में sin क्या लिखेंगे 52 डिग्री, तो ये पूरा प्लस में और ये पूरा माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या गया
जीरो आ गया, तो इस तरह से RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।